प्रदेश में बदमाशों के हौसले दिनों दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला पानीपत के ऊझा का है, जहां देर रात दो बदमाश युवकों ने सरेआम हिमांशु नामक युवक पर गोली चला दी, जो कि उसके सिर पर जा लगी। घायल युवक को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। हमला करने वाले युवक शहर की एकता बिहार कॉलोनी के बताए जा रहे हैं। आरोपियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब हिमांशु किसी काम के चलते अपने भाई के साथ घर से बाहर निकला था। तभी बाइक सवार दो युवक हिमांशु पर फायरिंग कर वहां से फरार हो गए। गोली हिमांशु के सिर पर जा लगी और वो बुरी तरह से घायल हो गया। घायल अवस्था में हिमांशु को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। क्या मामला है? देखिए कि लड़के को बुलेट इंजरी हुई है, अभी हम जांच कर रहे हैं सारा मामला। जी, अभी हम सारी जांच कर रहे हैं। जी, गोली किसको लगी है? जी, गोली किसको लगी है सर? एक हिमांशु नाम का लड़का है, शक्ति विहार कॉलोनी का। वो सारा हम वेरीफाई कर रहे हैं। तो पुलिस ने इसमें सर कुछ केस दर्ज किया? हाँ, अभी FIR लॉज कर लिया हमने और आगे जांच कर रहे हैं हम। जी, ठीक है। एक्सप्रेस के लिए पानीपत से प्रवीण भारद्वाज की रिपोर्ट।